हुई। हालांकि पुलिस ने आरोपी को फौरन हिरासत में ले लिया। पेशी के दौरान ब्रजेश ठाकुर ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। ब्रजेश ठाकुर ने कहा है कि मैं कांग्रेस में जाने की सोच रहा था और चुनाव लड़ना चाहता था, इसी वजह से मुझे फंसाया गया है। ब्रजेश ठाकुर ने कहा कि एक भी लड़की ने उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं दी है। ब्रजेश ने माना है कि मंजू वर्मा के पति से राजनीतिक इश्यू को लेकर लगातार बात हुई है उनकी। ब्रजेश ने कहा है कि मधु से उनका किसी तरह का कोई रिश्ता नाता नहीं है, वो सिर्फ उसके यहाँ काम करती थी। मैं कांग्रेस में जाने की सोच रहा था और मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ने के लिए लगभग मेरा स्थिति फाइनल था दिल्ली सीट पर। किसी का वह भड़ास निकाल रहा कौन निकाल रहा है? एक भी लड़की हमारे खिलाफ बयान नहीं दी है। अपने स्टाइल उठा के पढ़ रहा हूँ। न्यायाधीश महोदय आते थे, माननीय न्यायाधीश प्रदेश नाम के आदमी आते थे, उसका प्रदेश नाम से हमको कबल बोरा बनाया जाए। हम कभी भी डायरेक्टर से नहीं रहे। अखबार को बंद कराना चाहते हैं, हमारे अखबार के कारण उनका विज्ञापन कमजोर है, इस कारण से कुछ खाप खाप रहे। मधु कहाँ की है, क्या है, नहीं है, हमारे यहाँ कार्य करती थी स्टार्टअप, वह बामा शक्ति नाम की एक संगठन बनाई और वहाँ काम करने लगी। तो तस्वीरें देख रहे हैं आपकी, कोर्ट परिसर में किस तरह से स्याही फेंकने की कोशिश की गई। ब्रजेश ठाकुर के ऊपर एक महिला ने कोशिश की स्याही फेंकने की, आक्रोश जताने की, हालांकि आरोपी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। और इस दौरान बड़ी बात कह दी ब्रजेश ठाकुर ने, ऐलान किया कि वो कुछ ही दिनों में कांग्रेस से जुड़ने वाले थे, मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ने वाले थे। जाहिर सी बात है किसी खास राजनीतिक पार्टी का जिक्र करना और उस पर सियासत ना हो ये संभव ही नहीं है।